विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। ये कक्षा 2 की हिंदी अंकुश पुस्तक का पाठ संख्या 7 है और ये आपकी लेक्चर संख्या 28 है। हमने आपके पिछले वीडियो में आपके पाठ संख्या 6 के भाषा ज्ञान के प्रश्न किए थे और ये सारे प्रश्न करने के बाद हमारा वो पाठ पूरा समाप्त हो गया था। ठीक है, अब इस वीडियो में हम नया पाठ शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है सचिन की समझदारी। ठीक है, अब चलिए ये कहानी शुरू करते हैं। सचिन, उठो, मुझे बाजार जाना है, गोलू का ध्यान रखना, कहते हुए माँ घर से बाहर चली गई। ठीक है, तो यहाँ कौन है? यहाँ सचिन की माँ है जो कहाँ जा रही हैं, बाजार जा रही हैं, और वो उसे बोलती हैं कि सचिन उठ जाओ और मैं बाजार जा रही हूँ और तुम गोलू का ख्याल रखना। ठीक है, तो गोलू क्या है? गोलू एक छोटा सा बच्चा है जिसका ख्याल रखने के लिए सचिन की माँ उसको बोलकर जाती है। सचिन आंखें मलते हुए उठा। उसे छुट्टी वाले दिन घर पर बैठना बिल्कुल पसंद नहीं था। अब क्या था कि जब सचिन की माँ उससे ये बातें बता रही थी तो क्या हो रहा था, सचिन सोया हुआ था। ठीक है, तो माँ के कहने पर वो उठा और उसने अपनी आंखें मली, यानी कि नींद हटाने की कोशिश की। और उसके बाद आगे लिखते हैं कहानी में कि उसे छुट्टी वाले दिन पर बैठना बिल्कुल पसंद नहीं था, यानी कि उसे छुट्टियाँ पसंद नहीं थी, क्योंकि क्या होता था कि छुट्टियों में हमें क्या होना होता है, हमेशा घर पे बैठना होता है, तो इसलिए वो छुट्टियों को पसंद नहीं करता था। पर भाई का ध्यान रखना ज़रूरी था, लेकिन अब क्योंकि माँ का आदेश था कि उसे गोलू का ध्यान रखना है, तो गोलू यहाँ पे क्या, कौन है? तो गोलू सचिन का भाई है। तो क्योंकि गोलू का ध्यान रखना ज़रूरी था, अपने भाई का ध्यान रखना ज़रूरी था, इसीलिए क्या होता है, सचिन उठ जाता है। उसे गोलू की तरफ देखा, कितना प्यारा भाई है मेरा, झूले में सोया कितना मासूम लग रहा है। ठीक है, तो फिर सचिन उठता है और गोलू की तरफ देखता है। अब गोलू क्या है, तो गोलू एक झूले में सोया हुआ है। तो उस झूले की तरफ देखकर सचिन सोचता है कि उसका भाई कितना ही प्यारा है और कितना मासूम यानी भोला है। सचिन ने सोचा और मुस्कुरा दिया। तो सचिन ये सोचकर क्या होता है, मुस्कुराने लगता है यानी हंसने लगता है अपने मन में। सचिन ने टीवी चला दिया, वह टीवी देख ही रहा था कि उसे रोने की आवाज़ सुनाई दी। अब माँ के जाने के बाद सचिन उठता है और जाकर टीवी चला देता है। ठीक है, और टीवी देखते वक्त क्या होता है कि उसे कहीं से रोने की आवाज़ आती है। उसने झूले की ओर देखा, गोलू उठ चुका था और रो रहा था। अब टीवी से ध्यान हटाकर जब वो कोशिश करता है कि देखे कि आवाज़ रोने की कहाँ से आ रही है, तो वो झूले की तरफ देखता है और उसे दिखाई देता है कि गोलू जो है वो अपनी नींद से उठ चुका है और अब उठकर रो रहा है। ठीक है, तो आज के लिए हम कहानी यहीं पे रहने देंगे और फिर हम अगले वीडियो में क्या करेंगे कि आगे की कहानी को पढ़ेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।